हेलो मित्रों, ये आज का वीडियो है प्राचीन इतिहास से संबंधित। प्राचीन इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के विषय में आज का ये चैप्टर है। मित्रों, प्राचीन इतिहास में अति लोकप्रिय और बहुत चर्चित पुस्तकों के नाम आज हम इसमें बताएंगे, जो एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वंशीयम, मेघदूतम, ऋतुसहारम, कुमारवंशम और रघुवंशम, ये कुल मिलाकर 7 पुस्तकें हैं, 7 रचनाएं हैं और इनमें से कुछ नाटक भी हैं जो महाकवि कालिदास के द्वारा रचित हैं। मित्रों, ये बहुचर्चित रचनाएं और नाटक हैं, इनसे परीक्षा में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। जब हम प्राचीन इतिहास की पुस्तकें याद करते हैं तो सर्वप्रथम हमें कालिदास की पुस्तकों को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इनकी सबसे अधिक हैं। यही पुस्तकें हमें अन्य जो कवि हैं उनकी रचनाओं के साथ कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। तो मित्रों, ये अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वंशीयम, मेघदूतम, ऋतुसहारम, कुमारसंभवम और रघुवंशम, ये कुल मिलाकर 7 हैं। तो सर्वप्रथम इनके कवि का नाम लिखना आवश्यक है। तो हम कवि का नाम लिख देते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की हैं, कुल मिलाकर 7 हैं, महाकवि कालिदास के द्वारा रचित हैं। महाकवि कालिदास, कालिदास की कृतियाँ हैं ये। इनमें से मित्रों कुछ नाटक हैं और कुछ रचनाएं हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम ये दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा पर आधारित है। दुष्यंत व शकुंतला लिखते रहें, शकुंतला। दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कथा है, किसमें? अभिज्ञान शकुंतलम में, और मालविकाग्नि मित्रम में मालविका की प्रेम कथा है। मालविका की, मालविका, इसमें मालविका की प्रेम कथा है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये तो हो गया इसका मालविकाग्नि मित्रम का, दुष्यंत और शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम का, विक्रम और वंशीयम में है सम्राट पूर्वसा, सम्राट पुरूर्वा, पुरूर, सम्राट पुरूर्वा व उर्वशी, इधर है मात्रा उर्वशी, अप्सराओं की कथा। ये विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम नाम की जो पुस्तक है उसकी ये कहानी है। मेघदूतम ये एक रचना है, ऋतुसहारम एक रचना है, कुमारसंभवम एक रचना है, रघुवंशम एक रचना है। मेघदूतम, ऋतुसहारम, कुमारसंभवम, रघुवंशम, ये 4 रचनाएं हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, मित्र और विक्रमोर्वशीयम, ये रचना और नाटक दोनों हैं। तो मित्रों आप समझ गए होंगे, ये महाकवि कालिदास की महत्वपूर्ण कृतियां हैं, बहुचर्चित कृतियां हैं। अब बात कर लेते हैं मुद्रा राक्षस की। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा रचित है? मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा रचित है। विशाखा, विशाखा दत्त कवि के द्वारा रचित है मुद्रा राक्षस। इसमें कौन सी घटनाओं का वर्णन है? इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध के सिंहासन पर, मगध की राजगद्दी पर बैठे, उस समय की घटनाओं का वर्णन है। किसमें? मुद्रा राक्षस में, जो कि विशाखा दत्त के द्वारा लिखित है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के मगध सिंहासन पर बैठने की कथा। समझ सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध के सिंहासन पर बैठते हैं, राजगद्दी पर आसीन होते हैं, उस समय की घटनाओं का इसमें विवरण दिया हुआ है, जो कि विशाखा दत्त ने लिखी हुई है। अगली पुस्तक है मृच्छकटिकम।
मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखित पुस्तक है। शूद्रक, शूद्रक नाम के एक महान कवि थे शूद्रक, जो मृच्छकटिकम नाम की पुस्तक लिखी हुई है। इसमें मित्रों शूद्रक में राजा ब्राह्मण चोर वैश्या व्यापारी और जुआरी जुआ खेलने वाले जुआरी, इन सब की घटनाओं का वर्णन है। राजा ब्राह्मण चोर वैश्या व्यापारी और जुआरी, इन सभी की घटनाओं का वर्णन है। चारुदत्त और बसंत सेन की ये बसंत सेन चारुदत्त और बसंत सेन की कहानियों के अतिरिक्त ये सब है। चारुदत्त हुआ वसंत सेन, चारुदत्त बसंत सेन की कथा। मित्रों आप बात कर लेते हैं आर्यभट्ट, आर्यभट्टियम और सूर सिद्धांत का। आर्यभट्टियम नामक जो ग्रंथ है उसको ही हम सूर सिद्धांत का नाम के नाम से जानते हैं, आर्यभट्टियम या सूर सिद्धांत का। आर्यभट्टियम और सूर सिद्धांत का नाम की जो रचना है वो भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा इसकी रचना की गई। मित्रों ये बड़े गर्व की बात है कि ये जो आर्यभट्ट थे वो हमारे भारत में जन्मे। ये भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महान गणितज्ञ और प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। तो इन्होंने आर्यभट्टियम और सूर सिद्धांत का नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें गणित के बहुत सारे सूत्रों का समावेश किया गया है। तो भारत में जन्मे महान गणितज्ञ हुआ खगोलवेद, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट की रचना है आर्यभट्टियम और सूर सिद्धांत का, आर्यभट्टियम या सूर सिद्धांत का। मित्रों एक और बात है पंच सिद्धांत का और बृहद संहिता। पंच सिद्धांत का, बृहद संहिता, ये दो अलग अलग पुस्तकें हैं। इनकी रचना बराह मिहिर के द्वारा की गई। बराह मिहिर का भी जन्म भारत में ही हुआ है। बराह मिहिर भारत के बराह मिहिर भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महान ज्योतिष गणितज्ञ और खगोलविद रहे हैं। बृहद पंच सिद्धांत का और बृहद संहिता की रचना बराह मिहिर के द्वारा की गई। बारह मिहिर ये महान ज्योतिष ज्योतिष गणितज्ञ खगोलविद रहे हैं। महान ज्योतिषाचार्य बराह मिहिर गणितज्ञ भी रहे और खगोलविद भी रहे। इन्होंने पंच सिद्धांत का और बृहद संहिता नाम की दो रचनाओं की रचना की है। मित्रों ये भी बड़े गर्व की बात है कि बराह मिहिर का जन्म भी हमारे भारत में ही हुआ। उसके बाद अगली पुस्तक आती है पंचतंत्र। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा के द्वारा की गई। पंचतंत्र की रचना विष्णु विष्णु शर्मा के द्वारा की गई। विष्णु शर्मा के द्वारा की गई पंचतंत्र। वहीं अगली पुस्तक है महाभाष्य। महाभाष्य की रचना ऐसे आप समझ सकते हैं इसको, ये एरो लगा दे रहा हूँ,
उतना स्पेस नहीं है। महाभाष की रचना पतंजलि द्वारा की गई। दशकुमार चरित्र की रचना डंडिन के द्वारा की गई। डंडिन भी एक महान रचनाकार थे। डंडिन के द्वारा दशकुमार चरित्र की रचना की गई। अगली पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि के द्वारा की गई, जो कि संस्कृत के एक महान विद्वान थे। इसमें संस्कृत का व्याकरण संबंधी हजारों लाखों सूत्रों का समावेश किया गया है। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि के द्वारा की गई। ये संस्कृत की पुस्तक है। संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण की ये रचना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। इसमें हजारों सूत्रों का समावेश है। अगली पुस्तक आती है मित्रों रजत रंगणी की रचना कल्हण के द्वारा की गई। कल्हण और वही विक्रमांक देव चरित्र की रचना बिल्हण के द्वारा की गई। दोनों एक जैसे ही नाम हैं, बिल्हण और कल्हण। कल्हण के द्वारा रजत रंगणी की रचना की गई, बिल्हण के द्वारा विक्रमांक देव चरित्र की रचना की गई। अब मित्रों और अगली एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इसकी रचना कौटिल्य के द्वारा की गई। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य के द्वारा की गई। कौटिल्य को अन्य नामों से भी जानते हैं। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ये मित्रों वही कौटिल्य हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने गुरुकुल में ले जाते हैं और उन्हें राजनीतिक विद्या सिखाते हैं और एक महान राजनेता, महान राजा बना देते हैं। उस समय मगध की राजगद्दी पर विराजमान घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठते हैं। ये वही कौटिल्य हैं जिनकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर राज करने के लिए आसीन हो जाते हैं। मित्रों ये वही कौटिल्य हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र से संबंधित ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें तो सिर्फ राजनीतिक सूत्रों का ही संग्रह है। अर्थशास्त्र में राजनीतिक सूत्रों का संग्रह है। मित्रों ये पुस्तकें हुई प्राचीन इतिहास से संबंधित। कुछ और दो तीन पुस्तकें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से, उनको भी मैं बताना चाहूँगा, तो यहाँ पर बता दे रहा हूँ। एक पुस्तक है तुझके बाबरी, ये बाबर की आत्मकथा है, बाबर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई मित्रों? बाबर के द्वारा। बाबर ने इसकी रचना की, तुझके बाबरी की। ये बाबर की आत्मकथा है। दूसरी रचना है मित्रों शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखी गई शाहनामा। और तीसरी अंगली रचना है पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई चंद्र बर
दाई चंद्रबरदाई के द्वारा इसकी रचना की गई, जो कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के उस समय सुल्तान हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, उस समय चंद्रबरदाई नाम के जो व्यक्ति थे इनके यहाँ राजमंत्री थे, तो उनके द्वारा इनकी वीरता की कहानियाँ इसमें लिखी गई हैं। पृथ्वीराज रासू में शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है शाहनामा, और तुझके बाबरी बाबर के द्वारा, स्वयं बाबर के द्वारा लिखी गई है, जिसमें बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी हुई है। मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप अवश्य लिखें। किसी प्रकार का वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है मित्रों, और एक छोटा सा सेटअप तैयार करना पड़ता है, इसलिए आपको इसको देखना भी आवश्यक है, ज़रूर देखिएगा, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। मित्रों, इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।